कैसा मैं वो गीत गाऊं, कैसे मैं वो शब्द लाऊं, तुझसे मैं कहूं तो तू खिल खिल हंसे। आर नारी रारी रारी तार नार 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 ना ही मेरे पास ऐसा गीत है जो मैं गाऊं, ना ही मेरे पास ऐसे शब्द हैं। तू ही बता अब कैसे तुझको यकीन दिलाऊं, तेरी हंसी को कैसे वापस मैं लेकर आऊं। सामने तेरे ही खड़ा हूँ, छोटी सी जिद पर अड़ा हूँ, जरा मुस्कुरा दे जो मैं साथ हूँ। एक मेरा साथ ही है गीतों और शब्दों से बढ़कर, इससे ज्यादा बोल अब मैं क्या कहूँ। हाँ इससे ज्यादा बोल अब मैं क्या कहूँ। हेलो हेलो एवरीवन। हाय हाय, एक मिनट, आवाज शायद नहीं आ रही आपकी। आवाज आ रही है? रिपीट। जस्ट अ मिनट, आई कांट। ओके, टेक योर टाइम। सो फ्रेंड्स, ये KLF का 42nd एपिसोड है एंड एपिसोड ऑफ भाव संवाद एंड वी आर हैविंग टुडे हरप्रीत सिंह, हु इज अमेजिंग म्यूजिक कंपोजर, सिंगर, लिरिसिस्ट, राइटर एंड वेरी वर्सेटाइल यू नो म्यूजिशियन, and it is always a privilege to have him, you know. Thank you. In one to one conversation, and aapne jo shuru live shuru hote jo screen pe ek minute ka jo video dekha, it reminds me KLF bhi hum gaye the aur wahan pe Chilika lake pe we had a long conversation and Harpreet could bring out very beautifully edited songs and the whole conversation for us. So yeah, so I think we can carry that, the long conversation, forward again. Yeah. It's always you know, good to have you, you know, to more about. Thank you. The conversation. And of course, thank you, Gopal. Thank you. So aaj hum thank you. गुफ्तगू भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे और हरप्रीत से बहुत कुछ सुनेंगे भी। तो मोस्ट वेलकम हरप्रीत भाव संवाद में। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो आज जैसे इस पूरी सीरीज का नाम है भाव और संवाद, तो हम इन दोनों फ्लोज को कैसे हम लोग साथ में लेके चले, हम भाव को और संवादों को हम कैसे जोड़ पाए, और हमने, मेरे पास ऐसा कुछ हरप्रीत के लिए बने बनाए सवाल नहीं है, कुछ भी रेडीमेड नहीं है, जैसा भी भाव से निकलेगा वी विल हैव द कन्वर्सेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक ग्लिम्सेस ऑफ योर म्यूजिक, आप बताइए कुछ सवाल है तो, गोपाल आप अगर कुछ बातचीत से शुरू करना चाहते हैं तो बातचीत कंटिन्यू करते हैं, अगर आपका मन है। गाना तो हमने बजा ही लिया पहले। राइट। इससे मुझे बहुत गाना, मैंने वीडियो भी बहुत टाइम बाद खुद मैंने देखा है और मुझे याद आ गया पूरा वहां पे KLF में इतना सुंदर वक्त जो वहां बिताया था, और उड़ीसा मुझे बिल्कुल अभी मन कर गया कि बस मैं यू नो अगली फ्लाइट लेकर के बस उड़ीसा चला जाऊं, इतना सुंदर मुझे लगा था वहां। कुछ कुछ मेरा मन भी ऐसे ही होता है बहुत बार, लेकिन ये
है ना, कितना सुंदर था वहाँ चिलिका में, जो हम लोग तो साथ में गए थे चिलिका, क्या खूबसूरत वक्त था, बहुत सुंदर था। और उसमें बहुत ही सीन था, राइट। और हम लोग आई थिंक उस दौर में, जब उस समय में मैंने बहुत कुछ नए कंपोजिशंस आपके सुने थे उस कॉन्वर्सेशन के दौरान, विच रियली सरप्राइज मी। तो ऐसे ऐसे हम लोग मिलते रहेंगे तो अच्छे डायलॉग्स होते रहेंगे, एंड आप क्या नया। तो मैं एक सवाल अभी मेरे जहन में आ रहा है, वो ये है कि मार्च, मतलब ये जो पूरा लॉकडाउन का टाइम गया है पिछले लगभग 6 महीने, हम सब एक तरह से एकांत, फोर्स्ड एकांत में हमको जाना पड़ा, और वैसा सबके साथ हुआ और आपके साथ भी हुआ कि आप भी अपने अपने दायरे में हम सबको रहना पड़ा किसी न किसी वजह से। तो कोई कॉन्सर्ट्स नहीं, कोई ट्रेवलिंग नहीं, कहीं आना जाना नहीं, कहीं भागना नहीं, सारी आपाधापी और एक तरह से रुक गई थी। तो हाउ डू यू सी दिस होल पीरियड? सो आई वांट टू नो कि उस पूरे 6 महीनों में व्हाट वाज योर जर्नी इन टर्म्स ऑफ योर क्रिएटिविटी, ऑफ योर पर्सनल लाइफ, द स्पेस ऑफ योर माइंड, एंड यू नो बीइंग इन आइसोलेशन यू स्ट्रगल विद लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच अदरवाइज यू डोंट वांट टू कन्फ्रंट, बट इन दैट केस यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, यू हैव टू be with yourself, you have to be with your thoughts, you have to be with your struggles, everything. So can you just put some light on that? तो मेरे साथ generally मैं इसी माहौल में वैसे ही रहता हूँ, मैं अपने लॉकडाउन में ही रहता हूँ जनरली, मैं अपने कमरे में रहता हूँ और मैं म्यूजिक बनाते रहता हूँ या प्रैक्टिस करते रहता हूँ। और जब ट्रेवल होता तो मैं जनरली घर से तब निकलता था, या बहुत ही कभी हुआ तो मैं कुछ दोस्तों से मिलने के लिए निकलता था घर से, जनरली मैं घर में ही रहता हूँ, घर में एज इन मेरे स्टूडियो में, और यू नो इंस्ट्रूमेंट्स के साथ वक्त बिताता हूँ। तो मुझे बहुत ज्यादा, मेरे लाइफ स्टाइल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया, मेजर फर्क जो आया था वो ट्रेवल का था, यू नो ट्रेवल जो होता था, आई रियली आफ्टर अ पॉइंट मुझे लगा, मैंने यू नो बिग टाइम मिस किया ट्रेवल को, कि यू नो जो शोज होते थे यू नो पूरे इंडिया में और बाहर जहाँ जहाँ भी ट्रेवल होता था, इस साल का काफी सारा प्लान था जो कि प्लान यू नो एज इट इज रखा रह गया, और वो मैंने मिस किया। और उसके अलावा मैंने जो किया, मैंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए अपने म्यूजिकल जर्नी में, मैंने पियानो सीखा, आता था मुझे, मतलब प्रोग्रामिंग तक आता था, मैं उसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता था कि मैं स्टेज पे भी बजा सकूं, यू नो अभी तक मैं जो बजाता था वो सिर्फ अपने लिए या कुछ प्रोडक्शन के लिए, जो म्यूजिक प्रोड्यूस मैं करता हूँ कंप्यूटर में उसके लिए मैं सिर्फ कीबोर्ड यूज करता था। मैंने प्रॉपर पियानो सीखा इस दौरान, जो कि बहुत ही सुंदर सी जर्नी अभी चल ही रही है, मतलब इतनी जल्दी तो एकदम से एक नया इंस्ट्रूमेंट आपके लिए यू नो इट टेक्स टाइम, अगर आप पूरी तरह से एक इंस्ट्रूमेंट को सीखना चाहते हो पूरी तरह से, यानी कि एक सर्टेन लेवल तक अगर आप पहुंचना चाहते हो तो इट टेक्स टाइम, राइट। तो बहुत अच्छे से मैंने ये टाइम यूटिलाइज किया, मैंने उसे खूब सारी प्रैक्टिस की, और यू नो कुछ प्रोडक्शन नए जो कि गोपाल मेरे दोस्त हैं उनके साथ मैंने गाना रिलीज किया इस लॉकडाउन में, उनका पहाड़ी उन्होंने गाना लिखा था, वो गोपाल दत्त, उनकी बात कर रहा हूँ, गोपाल सामने भी है मेरे, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, राइट। हाँ, गोपाल दत्त जो है बहुत सुंदर गाना लिखा था, उसे मैंने प्रोड्यूस किया और हम लोगों ने उसका वीडियो बनाया, निहाल दोस्त है हमारा, उसने उसका वीडियो बनाया और हमने उसे रिलीज किया। उसके अलावा कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें इस तरह की हम लोग करते हैं, मैंने व्लॉगिंग की इस दौरान, बहुत इंटेंस व्लॉगिंग की मैंने, एक 1.5 महीने 2 महीने तक तो डेली व्लॉगिंग की, अब मैं कुछ कुछ दिनों के बाद करता हूँ, लेकिन एक नया बिल्कुल एक्सपीरियंस था व्लॉगिंग करना भी बिल्कुल कि दिन भर आपने वीडियो शूट किया, शाम में एडिट करके दिन भर, मतलब वीडियो शूट करने के लिए वीडियो शूट नहीं किया, जो भी आप कर रहे हो बेसिकली वो अपना लाइफस्टाइल शूट किया और शाम में मैंने उसे एडिट करके डेली
अपना YouTube चैनल पे शेयर किया, YouTube चैनल विच इज हरप्रीत म्यूजिक, तो ये सब किया मैंने लॉकडाउन में। तो वो हम थोड़ा सा उसका एक झलक सुनना चाहेंगे जो आपने गोपाल दत्त के लिए का लिखा, आपने कंपोज किया। अरे वो सिर्फ मैंने उसी वक्त गाया और उसे प्रोड्यूस करके यूट्यूब पे डाल दिया, उसके बाद अभी तक तो नहीं गाया, और पहाड़ी है वो तो इसलिए मैं पंगा भी नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कुछ और हम गा सकते हैं। वो पहाड़ी गाना आप गोपाल के चैनल पे यूट्यूब पर जा करके सुन सकते हैं। ओके ओके हाँ, अभी क्या सुनना चाहते हैं आप बताइए, अगर सुनना चाहते हैं तो आप जो सुनाना चाहते हैं जो आपका मन। अजनबी से शुरू करते हैं। हाँ अजनबी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कल एक अजनबी से मैं मिला, पूछा जिंदगी है क्या भला। कल एक अजनबी से मैं मिला, पूछा जिंदगी है क्या भला। वो बोला जिंदगी तो मेरे भाई ऐसी एक पहेली है, जिसे बुझने में जाने कितने चिराग बुझ गए। हे हे आहा हाँ हाँ, वो बोला जिंदगी समझ न आई है, जिसे ढूंढने जो चले थे खुद कहीं पे खो गए। अजनबी से मैं मिला, पूछा इश्क है ये क्या बला। वो बोला इश्क जो है मेरे भाई एक अजब सी चीज है, जिसे ना मिला वो खुश नहीं, जिसे मिल जाए ढूंढे खुशी। वो बोला इश्क ही तो मेरे भाई ढूंढे से ये ना मिले, और मिल जाए तो खो ना देना लौट के आएगा नहीं। अजनबी से मैं मिला और पूछा वक्त है ये क्या बला। वो बोला वक्त जो है मेरे भाई किसी की भी ना सुने, और वक्त की जो ना सुने वो फिर किसी की क्या सुने। ओ वो बोला गम में तो यूं लगता भाई वक्त ये जाता नहीं, और हंसते हंसते लगता जैसे पल भर भी ठहरा नहीं। Wow. Thank you so much. I know this this song has been my favorite since I met you, and I think this is the song. Thank you Gopal. I think आपके शुरुआती कुछ गानों में ये सबसे आपके भी दिल के करीब है, और बहुत सारी आपके फैंस फॉलोइंग में सबसे ज्यादा करीबी सॉन्ग है ये। सरी जी एक्चुअली इट इज वन ऑफ माय फर्स्ट फ्यू कंपोजिशंस, आई थिंक फर्स्ट कंपोजिशन। राइट, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू मेक श्योर। आई वाजंट श्योर, बट आई एम ग्लैड दैट यू सेड इट। ये मेरी पहली ही है कंपोजिशन। हां राइट हां। So, अरबी देखो ये एक आई थिंक
मैं आपके जब आपने आपका आपका जो भी म्यूजिक है, आपका जो गाना है, जो पब्लिक हुआ, मैं उस दौर की, ये करीब 6 7 2000 आई थिंक यू केम यू इस आई थिंक 6 7 साल पहले, यू नो उससे पहले तक जो मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि उससे पहले मैंने इस तरह का म्यूजिक नहीं सुना था. इट वाज अबाउट माय एक्सपीरियंस एक्सप्लोरेशन. हिंदी कविता को ऐसे म्यूजिक में कंपोज होते हुए नहीं सुना. बहुत रेयर एक्सपेरिमेंट हम इसको माना, हम इसको कह सकते हैं. और हिंदी कविता को या तो पढ़ने तक, या सिर्फ मुशायरों में सुनाने तक, या उस कवि सम्मेलनों में, बट विदाउट एन इंस्ट्रूमेंट, जस्ट लाइक आपसे उसको एक तरीके से गाते हैं. बट म्यूजिक कंपोजिशन में आई थिंक आप सबसे पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस तरह की कविता को म्यूजिक फॉर्म में आप लेके आए, और उसके बाद उसकी एक तरीके से रुझान लोगों का बहुत बड़ा, क्योंकि उससे पहले तक सिर्फ बॉलीवुड का म्यूजिक या दूसरे तरह का म्यूजिक, एल्बम के म्यूजिक, जिसमें होती वो भी कविता थी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कविता नहीं होती, वो भी होते थे, बट जो जिस तरह से आपने निराला को, पाश को, है ना, और उनको जब आप पोइट्री को म्यूजिक में लेके आए, तो सच में आपकी इस क्रिएटिविटी ने बहुत सारे लोगों को छुआ, और उसमें मैं भी एक शामिल हूं. तो ये जर्नी के बारे में आप थैंक यू. थोड़ा सा बताएंगे कि हाउ यू गॉट इंस्पायर्ड एंड हाउ दिस आइडिया केम इन योर माइंड. ये आइडिया बेसिकली इट वाजंट अ प्लान्ड थिंग, ये हुआ बस रास्ते में चलते चलते हो गया. क्यों मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं लिखता हूँ खुद के, जो अजनबी जैसे मैंने लिखा तो इसके बाद बहुत वक्त के बाद ही मैंने कुछ लिखा था, क्योंकि मैं खुद को मुझे नहीं लगता कि मैं राइटर एज सच राइटर हूं. जब कोई सिचुएशन या कुछ इस तरह का कुछ मुझे इंस्पायर करता है तभी मैं जनरली लिखता हूँ. मैं आई एम नॉट अ प्रैक्टिसिंग राइटर बेसिकली. सुबह उठूं और मैं लिखने बैठ जाऊं वो उस तरह का मैं नहीं करता हूँ, कि मैं जिस तरह से मैं रियाज करता हूँ, जिस तरह से म्यूजिक का अपना प्रैक्टिस करता हूँ डेली, राइटिंग की मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ. विच इज नॉट अ ग्रेट थिंग, आई एम नॉट फ्लॉन्टिंग इट, बट दैट्स हाउ इट इज. तो जिस वक्त मैं लिख नहीं रहा हूं म्यूजिक तो कर ही रहा हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं डेली. एक अर्ज है मेरी कि मैं उस जो जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो म्यूजिक कर रहा हूँ, एकदम से आपको अर्ज होती है कुछ नया कंपोज करने की, कुछ नया म्यूजिक बनाने की. तो उन उस म्यूजिक को अगर मुझे कुछ ढांचा एक तरह से चाहिए, या एक एक सुंदर लिरिक्स चाहिए, जो जबकि मैं हर रोज तो सुंदर नहीं लिख, मतलब क्योंकि मैं लिखता नहीं हूँ तो हर रोज तो मेरे पास लिखने के लिए उतना, कंपोज करने के लिए उतना है नहीं. तो मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया कि क्या सुंदर है मेरे आसपास. तब मुझे रियलाइज हुआ कि हिंदुस्तान और आसपास में कितना कितना लिटरेचर है हमारे, और सूफीज रहे हैं, निर्गुणी रहे हैं, और कंटेम्प्रेरी पोइट्स रहे हैं जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत लिखा है. मतलब उन्होंने अपनी जिंदगी दी है राइटिंग को. तो मतलब आई फील रियली फॉर्चुनेट कि इस इतना इतना कुछ है हमारे पास, उसको कंपोज करने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए, बेसिकली उसके साथ संवाद करने के लिए, राइट. एग्जैक्टली संवाद करने के लिए उसके साथ. तो दैट्स हाउ इट हैपेंड. उस तरह से हुआ, प्लान्ड नहीं था वो एक तरह की कह लो कि मजबूरी थी. जो कि बहुत सुंदर जर्नी थी. और दैट्स ट्रू. जो कि चली रही है, अभी भी चल रही है. अभी भी मैं बहुत ही रैंडम कुछ मुझे बहुत सुंदर लग जाता है तो मैं उसे अपने साथ रख लेता हूँ, और जब तक कि वो बिल्कुल अपना नहीं हो जाता तब तक उसे अपने साथ पढ़ता रहता हूँ बार बार. और फिर सडनली एक दिन आता है जब मुझे लगता है कि हाँ गिटार भी हाथ में है और वक्त भी सही है और वो लिरिक्स दिमाग में भी चल रही होती हैं, तो वो बस एकदम से गाया जाता है. मुझे कुछ ज्यादा एफर्ट मारने की जरूरत पड़ती नहीं अगर मैं वक्त का इंतजार करूँ तो.
ट्रू 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 लेकिन वो एक अंदर से अर्ज आती है, एकदम से आ जाती है कि बस गिटार और उसे गा दो, वो रात में सुबह सुबह हो सकती है या पूरी पूरा दिन जगे हो आप, पूरी रात जगे और सुबह तकरीबन होने वाली है और आपको नींद आ रही है, आपको चूज करना है आप सो जाओ या गिटार उठा लो। ट्रू ट्रू उस वक्त पे भी बहुत सारी कॉम्पोजिशंस हुई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दिन में नहीं हुई हैं, दिन में भी हुई हैं, लेकिन कुछ नहीं पता क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं है। Exactly. तो मतलब ऑफ कोर्स इट इज वेरी मच विजिबल दैट म्यूजिक इज योर फर्स्ट लव एंड द वे यू प्ले गिटार, द वे यू प्ले विद गिटार, यू नो द वे गिटार प्ले विद यू विद योर फिंगर्स, इट्स लाइक यू हैव ए कॉन्स्टेंट डायलॉग विद योर गिटार। एंड one thing I want to you know ask you, that why only guitar? I mean, no, I know you can play other instrument also, but guitar is right now just close to your heart, as I can see you, it's always here. So why guitar? What, why guitar inspired you? यार गिटार भी प्लान्ड नहीं था मेरी लाइफ में कि मैं गिटारिस्ट, मैं पियानिस्ट बनना चाहता था। तो एक बहुत ही शुरुआती दिनों की बात है, एक छोटा सा सुंदर सा कीबोर्ड तो मेरे पास था, पापा ने लाके मुझे दिया था। फिर मुझे हुआ कि मुझे बड़ा कीबोर्ड चाहिए, पियानो चाहिए, और उस वक्त यू नो कुछ मुश्किल दौर चल रहा था फैमिली का, तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो फिर मैंने देखा कि अरे यार गिटार तो बड़ा सस्ता आता है। तो फिर मैंने किसी तरह से जुगाड़ करके गिटार मैंने इनफैक्ट मेरे लिए अच्छा ये हो गया कि मुझे जरा सा गिटार, मेरे कजन ने एक्चुअली सीखना शुरू किया था, तो मैंने उसी के गिटार पे थोड़ा थोड़ा सा यू नो हाथ साफ करना शुरू किया और जरा सा गिटार मुझे आ गया। तो आसपास कुछ लोगों को पता चला कि इसको गिटार आता है, तो वो मेरे पास सीखने के लिए आने लगे। कुछ मैं स्कूल में ही था, कुछ कॉलेज से स्टूडेंट्स मेरे पास सीखने के लिए आने लगे। ओके तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे पास गिटार आ गया बजाने के लिए, मेरे पास खुद का गिटार तो था नहीं, तो स्टूडेंट्स आते थे और उन्हीं के गिटार पे मैं उन्हें सिखा करके सीखता था। Right. So, इस तरह से शुरुआत हुई और फिर मैंने एक अपना कुछ वक्त के बाद अपना गिटार लिया और फिर गिटार में ही जर्नी मेरी चलती चली गई, आगे बढ़ती चली गई। और मैंने कभी फॉर्मल ट्रेनिंग ली नहीं थी, इसलिए मैं कुछ भी बजाता हूँ बेसिकली। तो हम सिर्फ गिटार को कुछ देर के लिए सुन सकते हैं? ओह इंस्ट्रूमेंटल? यस। अरे इंस्ट्रूमेंटल Just कुछ मैं गाना सुनाता हूँ जिसमें कि इंस्ट्रूमेंटल पीसेस नहीं रहे। इस घट अंतर बाग बगीचे इसी में सिर जनहा
इस घट अंतर सात समंदर इसी में नौ लखतारा इस घट अंतर पारस मोती इसी में पर इस घट अंतर इस घट अंतर अनहद इसी में फूटे सुनो भाई साधो इसी में साई हमारा चंदा छलके यही घट माही आंधी आंखन सूझे नाही यही घट चंदा यही घट सूर यही घट गाजे अनहद तू यही घट बाजे तबल निशान बहिरा शब्द सुने नहीं कान जब लग मेरी कराया जब लग मेरी कराया तब लग काज को नहीं करे चंदा छलके यही घट माही आंधी आंखन सूझे नाही जब मेरी ममता मर जाए तब प्रभु काज सवार आए जब मेरी ममता मर जाए तब प्रभु काज सवार आए ज्ञान के कारण कर्म कमाए होए ज्ञान तब कर्म नसाए फल कारण फूले बन रहा है फल कारण फूले बन रहा है फल लागे पर फूल सुखाए मृगहास कस्तूरी बाप मृगहास कस्तूरी बाप अपना खो जाए घास अपना खो जाए घास अपना खो जाए घास चंदा छलके यही घट माही आंधी आंखन सूझे नाही
Thank you. That's really amazing. Thank you, thank you, thank you. Yeah, it's like very good, very deep. Thank you. That was Kabir, you know, both his Sant Kabir. Yeah. So, aap to behtar jante hain. Tell me one thing. I mean, I because you know, मैं काफी समय से ये सवाल मेरे अंदर आते रहता है because I work and I have, you know, because I am in this market, you know. So, what do you think? I mean, आपके experience से ये जो एक तो it's not a commercial, you know, route you took. And it's not a sort of you know, popular mainstream music industry. I'm just like using this because I just want to set up the context, though I don't believe in all these things, but still it is there. So how you think that how this your sort of music is commercially adaptable, viable, or struck, how do you deal with this? I mean, what is your insight? Because you right now you are, you know, the journey of 6-7 years. So is it tough? Is it really complicated? Do you think that ले लिया? Yeah, मुझे actually तो हो चुके हैं 12 साल इस profession में performances करते हुए. और अपनी ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस करते हुए तकरीबन हो चुके हैं 11 साल. एक साल मैंने किए थे 2007 में. मैंने 6-8 महीने तक मैंने कवर्स गा करके परफॉर्मेंसेस की थी. ठीक है, उसके बाद फिर रिसेशन आई थी बहुत मेजर, तो सारी परफॉर्मेंसेस हो गई थी बंद. तो मैंने उस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया और मैंने अपनी ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस पे काम किया. और फिर उसी दौरान मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आज के बाद कवर्स नहीं गाऊंगा कभी लाइफ में. यू नो, मैं सिर्फ अपने गाने कंपोज करूंगा और उन्हीं को गाऊंगा. तो वो उस रिसेशन के दौरान जो मुझे मजबूरी की जो ब्रेक मिली थी, मैंने उसको बहुत सुंदर से यूटिलाइज करके अपनी कॉम्पोजिशंस में लगाया. और मैंने ये कभी प्लान नहीं किया था कि मैं कमर्शियली यू नो I will have to face this challenge or that challenge. मुझे actually कोई अंदाजा नहीं था. मैं I just followed my heart, like पूरी तरह से ईमानदारी से मैंने अपने दिल को follow किया. जो भी composition आए, जो मुझे पसंद आई, जो writing मुझे पसंद आई, उस पे मैंने काम किया. अपनी तरह की sound पे मैंने काम किया, खोजने की कोशिश करी कि ये क्या यही मेरी sound है, you know. और उसमें भी बहुत सारे experiments आप देखेंगे अजनबी में, और इसमें कोई comparison नहीं आपको मिलेगा. You know, right. जो अभी मैंने गाया और अजनबी जो मैंने गाया था, बट ये फिर भी दोनों मेरी ही साउंड है. और दोनों मतलब ओवर द पीरियड मुझे रियलाइज हुआ कि यू नो, मुझे रुकना नहीं है कहीं भी. एक तरह के स्टाइल में नहीं स्टक होना है, मुझे बस चलते रहना है बेसिकली. और उसमें क्या चीज कमर्शियल है, क्या चीज यू नो नीश है, वो तो खुद ही मतलब तय हो गया अपने आप. मतलब मैंने कुछ नहीं प्लान किया, वो बस चल रहा है. बट सो फार आई मस्ट से दैट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई चोज टू बी अ म्यूजिशियन, यू नो, हु फॉलोज हिज हार्ट. मैं उस डिसीजन से पूरी तरह से यू नो खुश हूँ जो मैंने कभी लिया था कि मैं एक म्यूजिशियन बनूंगा. बहुत ही बचपन में कभी मैंने ऐसा डिसाइड किया था. और जब मैंने ये सोचा कि मैं अपनी ओरिजिनल कॉम्पोजिशन से ही गाऊंगा सिर्फ, वो डिसीजन भी मुझे लगता है बहुत ही प्यारा डिसीजन था और बहुत ही सेटिस्फाइंग डिसीजन था. ठीक है, मैंने बहुत यू नो बहुत ज्यादा मैंने कमर्शियली उतना पैसा शायद नहीं कमाया होगा जितना कि मैं कोई कवर्स गा करके या पॉपुलर जॉनर में गा करके शायद कमा लेता. लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, अच्छा चल रहा है, लाइफ बढ़ गया. जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं बनना चाहता था, वो चल रहा है, अपने ट्रैक पे हूँ.
सुनता रह जानी। या दैट्स दैट्स इंपॉर्टेंट यू नो कि या यू नो ये सेटिस्फेक्शन, ये आत्मसंतुष्टि, ये आप जो आप जो बने हो इसके लिए आप हो और जो आप कर पा रहे हो, जो आपको दिल को अच्छा लगता है वो आप कर पा रहे हो, आई थिंक इट्स ए ब्लेस एंड यू आर ब्लेस्ड विद दैट। So, are you planning any, you know, experimental music? I mean, because lots of people are trying this, a lot of youngsters and newcomers, musicians. Do you have an idea or any, you know, things ki aap kuch aur experiment mein jana chahte ho? एक्सपेरिमेंट्स तो मेरे चलते रहेंगे। मैं कोलैबोरेशन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं दोस्तों के साथ जैम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यू नो, हम बैठते हैं कुछ म्यूजिशियन दोस्त और हम बस रैंडमली बिना किसी एजेंडा के जैम करते हैं, और म्यूजिशियंस के साथ मेरा बहुत मन है कि मैं कोलैबोरेट करके और कुछ इंटरेस्टिंग कंपोजिशंस करूं, यू नो, नई साउंड्स के साथ एक्सपेरिमेंट करूं। Being a musician, you are, you know, मुझे लगता है कि मैं इस तरह का म्यूजिशियन जो एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहता है, जो बिल्कुल स्टेबल एक ही तरह के साउंड में रुकना नहीं चाहता। Right. तो एक्सपेरिमेंट्स तो आपको मेरे म्यूजिक में सुनने को मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। वो शायद सिर्फ गिटार पे ही हो कि गिटार पे ही आपको अलग तरह के साउंड मिले, या हो सकता है मैं कुछ और यू नो अलग तरह के म्यूजिक के साथ मैं एक्सपेरिमेंट करके आपको सुनाऊं, वो सब तो मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे तो आपको अलग अलग फ्लेवर्स मिलते रहेंगे। राइट। जी। या इट्स इंटरेस्टिंग। आई मीन या आई नो योर म्यूजिक इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट एंड यू डू लॉट ऑफ स्टफ विद यू नो डिफरेंट कोलैबोरेशंस एंड जी कंपोजिशन आल्सो। सो दैट्स द हमने एक बात की हिंदी कविता को लेके और आपके कंपोजिशन जो आप खुद लिखते हैं। दूसरा एक पूरा जोन है सूफी म्यूजिक का, जिसमें भी आपने काफी कंपोजिशंस बनाई है और आपने गाई है, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा है? आई मीन बिकॉज सूफी म्यूजिक की लैंग्वेज एक अलग, भाषा अलग है, उसकी टोन अलग है, उसका एक जरूर मैं कुछ सुनाऊंगा आपको। और उससे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि वही एक्सपेरिमेंट करते करते अलग अलग साउंड्स जैसे मैं एक्सप्लोर करता हूँ, मैं उसी तरह से पोएट्री भी अलग अलग एक्सप्लोर करता हूँ। मुझे लगता है कि पोएट्री जो है, जो लिरिक्स जो है, जो राइटिंग जो है, जो शायरी है, वो अपने आप यू नो अलग एक फ्लेवर लेकर के आती है आपके लिए, एक म्यूजिशियन के लिए। अलग लैंग्वेज, अलग बोली, अलग डायलेक्ट, अलग एक फ्लेवर लेकर के आता है आपके आपके कॉम्पोजिशन स्टाइल के लिए, आपके म्यूजिक के लिए बेसिकली। तो मुझे इसीलिए पसंद है कि मैं अलग अलग पोएट्स को कंपोज करता हूँ और अलग अलग सूफीज जो रहे हैं उनको मैं पढ़ के उन पे काम करना पसंद करता हूँ। तो ये यही वजह है और मुझे बहुत पसंद है बेसिकली एक्सपेरिमेंट और यू नो अलग अलग एक्सप्लोरेशन, मोर देन एक्सपेरिमेंट आई वुड से एक्सप्लोरेशन मुझे बहुत पसंद है। एक्सप्लोर करना मुझे मजा आता है उसमें। तो क्या सुनाया जाए आपको? आप बताइए कुछ गोपाल आपको। यार वो ही है ना, परमाई से अच्छा है कि जो आपको आप तो सुनाएंगे, हम वो सुनना चाहेंगे।
क्योंकि मैं तो मेरी परफॉर्मेंस के बाद, लेकिन जो आपको दर्शक देख रहे हैं वो आपको सुनेंगे। ठीक है चलिए। मैं आपको बाबा बुल्ले शाह का सुनाता हूं। So yeah, Marty Sonata, this is again one of my first few compositions. Marty Kudam Karendi Ya वाह वाह माटी दे गुलजार माटी कोड़ा माटी जोड़ा माटी दा यसवार माटी माटी ही नू दौड़ावे माटी दी माटी नू मारन लग गई हथियार माटी पर बहुती माटी सो माटी माटी ही बाग बगीचा माटी माटी दे गुलजार ओ माटी माटी नू वेखन आई माटी दी अबहार हस खेद फिर माटी होवे पेंदे पापसार ओ बुला जाए बुजारत बुझे ला पाओ सिरों मारता ला पाओ सिरों थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया दैट्स वंडरफुल दिस इज आल्सो वन ऑफ माय यू नो ऑल टाइम हिट
thank you. Yeah, I mean, it's you know, poetry is there all the time, you know, because what Kabir, what Bulle Shah, what other poets have written, it is always available. People to interpret, people to understand. But, you know, people like you, you know, interpret the whole poetry through music. And it actually gives a complete different, you know, direction and dimension. क्योंकि आप पोइट्री पढ़ते हुए एक अलग अलग तरीके से वो आपको अनफोल्ड करती है, बट जब आप उसको म्यूजिक के साथ सुनते हैं तो बहुत अलग तरीके से अनफोल्ड करती है. तो आई मस्ट यू नो कांग्रेचुलेट यू फॉर ऑल दीज ब्यूटीफुल कंपोजिशंस यू हैव क्रिएटेड. थैंक यू सो मच. And it is also, you know, sometime, you know, आप एक poetry को नहीं select करते हैं, poetry आपको select करती है. बिल्कुल सही बात है. And हम कई बार बस उसके निमित्त बनते हैं. And you know, God has given this beautiful, you know, talent and chance and opportunity to bring something peaceful to the world through music. And through the poetry, and in this time of, you know, corona and all these negative vibes, I think we need such sort of music. Thank you so much. I wish you know we could travel again, and you know, one thing I want is that, you know, that's what I experienced in last 6 months. Let's hope jaldi ho. कि हम साथ में ट्रेवल करें और सिर्फ, you know, इस जब पूरी सब जगह, पूरी दुनिया में इतना नेगेटिविटी, इतना मीडिया में, आपकी स्क्रीन पे, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस पे, आपके इंस्टाग्राम पे, आपके न्यूज़ चैनल पे नेगेटिविटी, इतना डर, इतना भय हमारे, और वो भय गांव गांव तक पहुंच गया है. हम पहले शहर में थे, भय गांव गांव में पहुंच गया है. One thing I want to do is, you know, I just want to bring musicians like you to travel and just like spread this love of music, the peace, the good vibes all together. We hope we can do very soon. And thank you, KLF. And we must, you know, request people who are all watching this, you know, live, please donate so that, you know, KLF can keep doing such events. Or दिल खोल के आप डोनेट करें ताकि आगे भी आपको इस तरह के वीडियोस, इस तरह के लाइव सेशंस और यू नो फेस्टिवल से जुड़ी चीजें देखने को मिलती रहें. ट्रू. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, दिस टाइम की हम सबको इस तरह के अपील की जरूरत है कि हम सब इसमें आगे आए, इसको सपोर्ट करें. बिल्कुल. वी कैन कीप ऑन डूइंग ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. थैंक यू हरप्रीत फॉर ज्वाइनिंग टुडे. थैंक यू गोपाल, बहुत मजा आता है आपके साथ बात करके हमेशा. सेम हियर मैन. थैंक यू वेरी मच. ऑलराइट, बाय बाय.